हेलो एवरीवन, आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ ये बहुत ही हेल्दी है और रिच प्रोटीन भी है। सत्तू का स्टफ्ड पराठा और इसे मैं बूंदी के रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। एक बोल में मैंने 4 टेबलस्पून सत्तू का आटा लिया है। इसमें 1 स्मॉल टीस्पून काला नमक, लगभग 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, जीरा, सफ़ेद नमक, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट है और हरा धनिया बारीक कटा हुआ। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे और साइड में रख देंगे। अब मैं इसका डो तैयार कर लेती हूँ। लगभग 2 कप आटा लिया है गेहूँ का और उसमें स्मॉल टीस्पून नमक और पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके एक स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा सॉफ्ट सा आटा बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने 1 स्मॉल टीस्पून घी भी डाला है और घी लगाकर आटे को अच्छे से चिकना कर लिया है और उसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। अब मैंने बूंदी का रायते की तैयारी शुरू कर दी है। ल्यूकवार्म वाटर लिया है, बिल्कुल गुनगुना पानी, और उसमें सिर्फ 2 मिनट के लिए लगभग 1 कप बूंदी मैंने भिगो के रख दी है। अब एक बोल में दही लेंगे और उसको विस्कर से बहुत अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। अब काली मिर्च 1 स्मॉल टीस्पून, भुंजा जीरा 1 स्मॉल टीस्पून, शुगर लिए मैंने अब पिंच, ये टोटली आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली अगर आप लेना चाहें या नहीं, और मैंने सफ़ेद नमक लिया है और काला नमक लिया है। थोड़े से सूखे हुए पुदीने के पत्ते मैं रखती हूँ हमेशा अपने किचन में, तो मैंने वो भी ऐड कर दिए हैं क्रश करके। अब मैंने बूंदी के पानी को निकाल के स्ट्रेनर से दही में इनको मिला दिया है। अच्छी तरह से मिलाकर लगभग 1 टेबलस्पून मैंने नॉर्मली क्रिस्पी वाली जो बूंदियाँ साइड में रखी हुई थी उनको भी ऐड कर दिया है। अब 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे सत्तू वाले मिक्सचर में। कौन सा ऑयल यूज़ करना है ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो जो आपको पसंद हो, मूंगफली का तेल या जो भी तेल आप खाते हैं उसको भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने नॉर्मली एक रोटी बेली है छोटी सी और उसमें मैंने इसको स्टफिंग को स्टफ कर दिया है और सूखा आटा लगाकर धीरे धीरे गोल पराठा बना लिया है। अब मैं ऑलरेडी जो तवा मैंने गरम करा हुआ रखा था उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और पराठे को इसमें सेकने के लिए रखेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा सा क्रिस्प पराठा सिककर आ रहा है। दोनों तरफ से मैंने इसमें ऑयल ग्रीस कर दिया है और कितने अच्छे से फूल के ऊपर आ रहा है, ये देखिए बहुत सुंदर दिख रहा है और बहुत टेम्पटिंग भी दिख रहा है। और पूरी प्रोसेस में हमें फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। और अब इसे बूंदी के रायते के साथ सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।